नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चांद पर जाना चाहती थी हिलेरी क्लिंटन, लेकिन नासा ने यह कहकर भेजने से किया था इनकार। नई दिल्ली, एक बार फिर इंसान चांद पर कदम रखने की तैयारी कर रहा है, हालांकि इस बार यह कारनामा एक महिला के नाम दर्ज हो सकता है। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर की निदेशक के मुताबिक नासा में महिला अंतरिक्ष यात्रियों की भी अच्छी संख्या है। निदेशक डॉक्टर एलेन ओचोआ ने कहा, हमारे पास 3 में से एक अंतरिक्ष यात्री महिला है और इसलिए इस बात की गुंजाइश है कि चांद पर अगला कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला होगी। हालांकि 1960 के दौर में नासा ने चांद पर महिलाओं के भेजने के आवेदन को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि महिला अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा जाए। दिलचस्प बात यह भी है कि जिन महिला अंतरिक्ष यात्रियों के आवेदन को खारिज किया गया था, उनमें एक नाम अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का भी था। निदेशक डॉक्टर एलेन ओचोआ की माने तो अगर महिला अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर जाने की इजाज़त मिल गई, जिसकी संभावना प्रबल दिख रही है, तो 1970 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि महिलाएं चांद की धरती पर कदम रखेंगी। सैली राइड पहली अमेरिकी महिला थीं जो 1983 में अंतरिक्ष में गईं। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि वो अंतरिक्ष यात्री बनकर चांद पर जाना चाहती थीं। यही वजह थी कि 1961 में जब वे 14 साल की थीं तो उन्होंने चांद पर जाने के लिए नासा को आवेदन दिया था, लेकिन नासा ने यह कहते हुए कि वो लड़कियों और महिलाओं को अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नहीं लेते, उनका आवेदन खारिज कर दिया। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के निजीकरण का इच्छुक। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निजीकरण करने का इच्छुक है क्योंकि वह आने वाले कुछ वर्षों में इस महंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम का वित्त पोषण बंद करना चाहता है। द वॉशिंगटन पोस्ट की 11 फरवरी की खबर में यह दावा किया गया है। अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में है और इसका संचालन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा करती है। इस स्टेशन को नासा ने अपने रूसी समकक्ष के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है। अखबार में कहा गया है कि अमेरिका की योजना ISS के निजीकरण की है। ISS में पृथ्वी की निचली कक्षा के वायुमंडल में वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कनाडा, यूरोपीय और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। अखबार को नासा का एक अंदरूनी दस्तावेज मिला है जिसमें कहा गया है, वर्ष 2025 तक ISS के लिए सीधा संघीय सहयोग बंद करने का मतलब यह नहीं है कि तब तक यह मंच खुद ही बंद हो जाएगा। इसमें आगे कहा गया है, यह संभव है कि उद्योग भावी वाणिज्यिक मंच के हिस्से के तौर पर ISS के कुछ हिस्सों को संचालित करता रहे। खबर में कहा गया है, नासा अगले 7 साल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्यिक भागीदारी का विस्तार करेगा ताकि पृथ्वी की निचली कक्षा तक मानवीय पहुंच और उपस्थिति लगातार बनी रहे। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।